ये है भाई की बाइक हार्ले डेविडसन। हाँ जी क्या हुआ सर? मैंने भी ले लिया। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यार ये तो फक्स हो गया, मैंने अभी चार्जर उठाया देखा इसकी नोजल टूट गई। क्या सीन है भाई, गाड़ी ठोक के जा रखा बंदा, बूंदी वाली बूंदी। डोमिनार 400 है, उसके ऊपर उसने विनाइल्स लगा रखी है। डोमिनार 400 ब्लैक कलर की है। हां ब्लैक कलर की विनाइल्स देखा, स्पॉट कर दिया मैंने पीछे, है ना? हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं विटनेस हूं उसके लिए। यो व्हाट्सअप गाइस, किया हालचाल, स्वागत है एक और व्लॉग में विद लॉट्स ऑफ प्यार। तो मॉर्निंग की सनशाइन मॉर्निंग है, थोड़ी देर में होने वाली है। ये अपनी बोंगी खड़ी, नेक्स्ट वन प्यारी सी, पर फिलहाल गाड़ी में बैठते फिर बात करते हैं। तो भाई गाड़ी की जैसे स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वन के अंदर बैठते हैं, मेरे को टाटा का एक बहुत बढ़िया फीचर लगता है। मतलब सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि ये देखो अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 10 की है और जैसे मैं इसको स्पीड अप करता हूँ, ये जो सुहानी सी कान फाड़ देने वाली, क्या बोला तूने? कान कुछ और नहीं, ये सुहानी सी कान फाड़ देने वाली जो आवाज है ना, ये आने शुरू हो जाती है और बंदा सोचता है अभी बंद हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, मतलब तब तक बंदे के सर में दर्द हो जाएगा। मैं भी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। चौड़ा में बीच में खड़ी करता बंदे, इस साइड ये गाड़ी खड़ी है, इस साइड खड़ी। अब मैं भी इससे निकलने को तो निकल जाऊंगा, पर कहीं दिक्कत आ गई ना तो दोनों गाड़ियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि अपनी क्या है, अपनी है भाई टैंक, मिनी टैंक। वेलकम टू द व्लॉग। सुबह सुबह हम लोग घर से निकल चुके हैं जस्ट टू रीच मुरथल। मुरथल क्यों? पराठे खाने नहीं। सीन क्या है कि भाई वहां पे अपना जो एयरपोर्ट ढाबा है, एयरपोर्ट नहीं सॉरी हवाई अड्डा ढाबा जो है, उसके पास एक गियर शॉप है, रिफर्बिश्ड गियर शॉप है। तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है सुबह 7 बजे दुकान खुलेगी। तो चलो भाई हम चल पड़े हैं। राइड इज गोइंग ऑन। यार ये तो फक्स हो गया, मैंने अभी चार्जर उठाया देखा इसकी नोजल टूट गई। अब मेरे फोन में बैटरी कम है, मैं चार्ज कैसे करूंगा, व्लॉग कैसे शूट करूंगा? ए भगवान, साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? और भाई ये बेहतरीन टाइप की एडवर्टाइजमेंट, ऊपर एक इन्होंने हुंडई की एसेंट चढ़ा रखी है भाई, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट चलती है यहाँ पे। तो यार गाड़ियों को लगाने, मतलब गाड़ी की फोटो लगाने का क्या फायदा जब आप गाड़ी लगा के काम चला सकते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। सामने आ गए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। द ओनली रीजन में सस्ते से है क्योंकि भाई इस रोड के ऊपर बाइक्स अलाउड नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी या ट्रक वगैरह से जा सकते हो। और हमें जाना है मानेसर नहीं, हमें जाना है कुंडली जाने, इधर ही मुड़ना पड़ेगा। आहा अभी गलत हो जाता। तो ऊपर देख रहे एक्सप्रेस वे है, और वैसे सबको पता है एक्सप्रेस वे के ऊपर ही ऊपर चलते हैं सारे। चलो चलते हैं, अब अपनी गाड़ी दौड़ेगी 120 की रफ्तार पे। ये जो अभी पॉइंट है ना, ये वाला, ये घुमाव वाला, मैं कहूंगा अगर आपकी स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी है ना, आप चाह के भी इसको आराम से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी को पलटाने तक का जोर है इसका, बहुत ज्यादा ग्रेविटी फील होते हुए टेढ़ी में। मजेदार ये नीचे से एक्सप्रेस वे निकल गया ऊपर, क्योंकि हमें क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, उधर जाने के लिए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्या सीन है भाई, गाड़ी ठोक के जा रखा बंदा, बूंदी वाली बूंदी, बूंदी गाड़ी ठोक के बैठा भाई साहब। तो मतलब यार देखा, यही चीज मैं कहता, गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद ना चाहते हुए आपकी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ जाएगी। अब देख लो इनोवा का क्या हाल था भाई साहब, यहाँ तो ना स्लो चला लूंगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा अपने से। हम पहुंच चुके हैं हवाई अड्डा और देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेन है खड़े, ग्रो हो जा शुरू। हवाई अड्डा पे हम गए हैं पहुंच, और हवाई अड्डा पे पहुंचने पर लेट सी क्या होता है। यहाँ आसपास में कई दुकान है, वो गार्ड साहब बोले अंदर ले लो। असंभव। और भाई साहब इतने करीब से प्लेन दिखा दिया मैंने, मत बोलना प्लेन नहीं दिखाता मैं, क्योंकि गाड़ी खड़ी है भाई। वो जो शॉप है उसके आसपास ही गए, तो बाहर निकलते दिखते हैं, थोड़ा चाय वगैरह कुछ पीता उसको चलता है। साफ सुथरी गाड़ी का ये हाल हो गया आते आते।
भाई फिलहाल बच चुके हैं 6:53। एकदम से मेरे को लगा था रास्ते में मैं ऊपर चढ़ गया हूँ और मैप दिखा रहा 8 किलोमीटर आगे से घूम गया। इधर मैं नीचे कटता, मैं कट में गुस्सा लग गया, मैं देखी जाएगी तो ठीक था। वैसे तो वो एग्जिट पॉइंट था, एंट्री पॉइंट था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी तो था वहाँ से दिख रहा था। तो अभी बस मुझे देखना बोरी गियर और हेयर, वहाँ लिखा हुआ है गियर्स एंड हेयर, शायद दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। आई होप सो वही दुकान है, वही दुकान होनी चाहिए और कोई तो होनी नहीं चाहिए। तो चलो जाके दुकान में देखते, 7 बजे खुलेगी वो। भाई साहब मस्त मजा आ रहा है, सुबह सुबह फ्रेशनेस फील हो रही, भले हाईवे के पास हो फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी अच्छी है। सो हियर इज द थिंग जो मैं बोल रहा था, गियर्स आर हियर, अ थ्रिफ्ट राइडिंग गियर स्टोर। मतलब यार जब तुम्हें चीज़ें सस्ती टिकाऊ बढ़िया मिल सकती है सेकेंड हैंड से भी कम रेट में, तो वाई टू इन्वेस्ट मनी ऑन न्यू वन, जब बाद में पैसा होगा तुम नया भी देखेंगे। और भाई साहब ये सामने बाइक मेरे को ऐसे भी लग रही है मॉडिफाई करके, नहीं ये शायद वो है, या तो मॉडिफाइड लग रही है, मुझे मॉडिफाइड ही लग रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये रियल नहीं, रियल है भाई, हार्ले डेविडसन CFO है, CFO तो नहीं कोई दूसरी है, बट अच्छी है जो भी है, बहुत बढ़िया, नाइस इट, लाइक इट। हार्ले डेविडसन कौन सी है नाम नहीं पता चला, बट है। और एक हार्ले उधर भी खड़ी है, क्योंकि भाई आज आया नया स्टॉक यहाँ, और स्टॉक का सीन ये है कि सुबह 7 बजे शॉप खुलती है, और जो पहले आया वही पहले बढ़िया माल पा के जाएगा। हम इस चक्कर में जल्दी आ गए, अभी स्टोर खुल जाएगी, देन आफ्टर विल सी क्या होता है। ये जो बंदे दिख रहे हैं, ये धक्का मार रहा है मेरे को देखे, कह रहा है बंदा धक्का लगवा रहा है यार सुबह सुबह, कह रहा है यूट्यूब कैसे सी कर दी। A few moments later, वेट करते करते मुझे 10 से 15 मिनट हो गए, अभी तक खड़ा किसी की शक्ल भी नजर नहीं आई, दिमाग खराब हो गया। अरे थ्रिफ्ट शॉप है, खुल के राजी नहीं है, बस मैं खड़े हो गए जहाज को देखे जा रहा हूँ। तो भाई हम थ्रिफ्ट स्टोर के ओनर से मिले हैं, अभी वीडियो मैं नहीं बना पाया उस टाइम, बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ये ना थ्रिफ्ट स्टोर, हम बाहर वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि भाई वहाँ है, लेकिन असल में यहाँ पे है। तो फिलहाल मैंने भाई से थोड़ी बहुत बात करी, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, देन आफ्टर वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सामान लो बहुत बढ़िया, मैंने अंदर चेक करा हुआ चीज़ें, हल्का फुल्के मतलब वो ये ना कि सेकेंड हैंड ही होता है, तो हल्के फुल्के डिफेक्ट्स के साथ माइनस, लाइक किसी का अगर रिफ्लेक्टर उस पर हल्की सी रिफ्लेक्टरी परत उतर गई, तो काइंड ऑफ इस टाइप से है, लेकिन ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर। मतलब अगर कोई लेना चाहता है गियर्स तो एक बार स्टार्टिंग के लिए ले सकता है, उसको इन्वेस्ट यहाँ करना चाहिए। वन प्राइस देख लिया, बढ़िया से बढ़िया 3999, 1999, 2999 इस टाइप से, मतलब 4000 मान के चलो, मोटा मोटा 5, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। और फिलहाल ये है भाई की बाइक, हार्ले डेविडसन, कौन सी मतलब मेरे को भी नहीं पता, वैसे तो शायद आयरन लग रही है मुझे। और वहाँ पर जो मैंने बाइक दिखाई थी वो वाली, उसके बारे में पता चला है, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बाइक हार्ले डेविडसन है कंफर्म, हार्ले का एसेसरीज भी रियल है, लेकिन ये CFO नहीं है, ये असल में स्ट्रीट 750 है, CFO मॉडिफाई करवा दिया, शौकीन बंदा है। हार्ले में इसको गरीब बोलेंगे, लेकिन हम लोगों के हिसाब से भाई अमीर ही बोलेंगे, 7 लाख की बाइक है, ऐसी नहीं है, पर मॉडिफिकेशन अलग है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टिल दुकान दोबारा खुले तब तक डोरमैन वगैरह भी आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल कुछ चाय पानी कुछ पी लूँ, तो सुबह से भूखा आ रखा हूँ, घर से कुछ नहीं खा रखा है, 2 घंटे पहले उठ के आया था बस, मतलब 2 घंटे पहले उठा था, घर से चला था, मैं उठ के यहाँ तो आया था, भागा तो ना अंधेरे में आऊँगा, तो चलो भाई कुछ खा पी लेते हैं अपने हवाई अड्डे पे। तो भाई फिलहाल हमने चाय ऑर्डर करी है, कुल्हड़ वाली चाय, दैट इज़ ओनली फॉर 37, मच बेटर। पीछे भाई भजन चल रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, तो लेट्स सी अभी चाय कैसी होती है, टेस्ट भी करके बता देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं इतनी। और ये देखो ये नकली वाली पंखड़िया और उस साइड में असली वाली है, पता नहीं क्या करके मानेंगे लोग। चाय तो आ गई, सोच रहा था बाहर जाके पी लूँ पर उंगलियाँ चल गई, जाते गर्म थी भाई साहब, वीडियो के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, गर्म चाय और मेरे को टिश्यू पेपर लेके हाथ में चलना पड़ रहा है, बहुत गर्म ही है। चाय कूलर में जितनी गर्म हो उतना अच्छा है, लेकिन हाथों के लिए नुकसानदायक है, टिश्यू पेपर भी इसकी गर्मी को रोक नहीं पा रहा था, मेरे को थोड़ी पी के किसी तरह फूक मार मार के काम चलाना पड़ रहा है, उंगलियाँ जल रही है, पी रहे तो मुँह जल रहा है, पर चाय टेस्टी है।
लेकिन एक चीज है, चाय पीते पीते मन कर रहा है कुल्हड़ को चबा के खा जाऊं, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। मजेदार इलायची डाल के मसाले वाली चाय। ओए होए कुल्हड़ है तो टेस्टी, पर ज्यादा नहीं खाऊंगा पथरी हो जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। और जैसा मैंने बोला था भाई, राइडर्स आने शुरू हो चुके हैं। तो भाई फिलहाल मैंने मलिक को फोन करा और पता चला वे कमीने कुत्ते हरामखोर सारे के सारे गरम धर्म पे पहुंच के बैठे हैं। मैं कहां हूं, सबको बोल रहे कि हम राइडिंग गियर्स की शॉप पे पहुंच चुके हैं, थ्रिफ्ट शॉप पे, लेकिन भाई साहब गरम धर्म पे बैठे हैं। मगर तुम लोग वापस आओ, सालो कुत्तों को मिलो, पहले सामान बिक जाएगा, फिर फायदा क्या है? जिस चीज़ को लेने आए वो चीज़ करी नहीं, फालतू वाड़ा में जाकर पराठे करें, पराठे तो कहीं भी खा लेंगे, गैस थोड़ा ना मिलेंगे, एक बार सारा सामान निकल गया फिर क्या कर लोगे, फिर ऐसे ही छटा मटा माल ही बचेगा। और बाकी ये भाई लोग भी इसी काम से हैं, अलग से स्पेशली दिल्ली से। अरे कोई नहीं भाई, देसी माड़ा से सारे। तो कहाँ से आए बेसिकली? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली में जनकपुरी। पड़ोसी हो मतलब? किस नाम से? रोवर राज जानव, ROVER RAJ। ओके, वोटर ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, आ जाएगा लिंक आपके पास, हनी रोहिला ब्लॉग्स के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू भैया। क्या क्या नाम है? हनी रोहिला ब्लॉग्स। रोहिला हनी, रोहिला हनी, HONEY भाई, शहर। दुकान बंद है? लॉक लगी हुई है। वो अभी गया होल्डिंग वगैरह लगाने के लिए, आएगा वो पक्की यारी वाला जो बता ना ग्रुप, वो वहीं पे होल्डिंग लगाने गया, आएगा शायद 15-20 मिनट लगेगी उसको आने में। तो भाई ने फिलहाल मेरे को इंस्टा 360 का थोड़ा सा रिव्यू दिया, बढ़िया चीज़ भाई। और भाई मेरे को लिटरली लग रहा है इंस्टेड ऑफ GoPro 360 में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। रीज़न, तुम सब कुछ कर सकते हो। मतलब मैं जो सोच रहा था ना उसके अंदर यार, कि इसके अंदर माइक कैसे अटैच करूँगा, तो वो अडेप्टर का ऑप्शन भी इंस्टा 360 में आता है। तो इंस्टेड ऑफ GoPro कि जहाँ आप सिर्फ सामने का देख सको, बात बात पैसे घुमाना पड़े, उसकी जगह आप इंस्टा 360 यूज़ करो, फार बेटर। रिएक्शन वीडियोज या अपनी वाटर ब्लॉगिंग या नॉर्मल ब्लॉगिंग, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डू इट। इट इज लाइक मेरा चैनल हो गया यार, जैसे मैं बोलता हूँ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डू इट लाइक दैट। इंस्टा 360 लो और उसमें जो तुम्हें करना करो, डू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डू इट। अच्छा लगा, और बस फिलहाल वेट कर रहा हूँ कमीने कब तक आ रहे हैं। अगर गलत नहीं हुए, शायद मेरा ही ग्रुप है, शायद से इसको मैं पहचानता हूँ, ये वही पतली शक्ल का कमीना है। साले मरेगा क्या? ये आ गया और इसका ये चल रहा अभी तक, ऐसे काम ऐसे काम अभी तक मरा नहीं है इसका। बंद कर रहा है। दीप नहीं है, उनके साथ आ रहा, डोरेमोन भाई के साथ। तो तुम्हारे साथ कौन आया? और हम अलग आए ना, हैं सारे ग्रुप के बंदे, सारे वो यूट्यूब वाले ग्रुप के अंदर ही है। कौन कौन है? पर कुछ तो होगा, एक आधा कौन से मैं देख रहा था यार, इनमें से एक ना क्रिमिनल है, उसको पकड़ना था। अच्छा, फील्डिंग बैठा रखी है। अभी वो आया नहीं फिर से, उसके पास 2400 है। क्रिमिनल है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो पकड़ा जाएगा, वो आ रहा है मोटा सारे। डोमिनार 400 है, उसके ऊपर उसने विनाइल्स लगा रखी है। ब्लैक कलर की है, स्पॉट कर दिया मैंने पीछे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं विटनेस हूँ उसके लिए। रेड कलर की जैकेट पहन के आया हुआ, रेड कुछ धारी कच्ची वाली, वो धारीदार कच्ची वाली पहन के आया हुआ कुछ। वो कट कट मारता, किस दिन कटना जाए। भाई इतनी देर से इस कवर को ढूंढ रहे थे, कच्ची कच्ची करके। कच्ची यार, एक्चुअली है ये कच्ची है, इसके अंदर अगर ये गुम होगी ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब तो आप इसको कितनी कॉम्पैक्ट कच्ची है, इसके अंदर आ गई है, घुस गए। क्यों उसको देसी में जा रहे हो यार? मैं मेरे ब्लॉग है, बच्चे भी देखते हैं, क्यों मैं क्यों भी काट रहे सबको। काट लेना यार, बीपी कर देना ना, बीपी चलेगी। तो भाई का चैनल है, राज रोवर के नाम से। बच्चे क्या देख रहे हैं? एक घंटे के वेट के बाद आफ्टर ऑल भाई आ गए। देख कितनी भीड़ लग गई, मैं पहले आके भी पीछे रह गया। दुनिया में इतनी भीड़ है। दुकान छोटी लेकिन कमाई मोटी, अच्छी बात है ये। भाई नजर ना लगे,
सब ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे जैसे रस्ते का माल सस्ते में, आराम से करूंगा मैं, नॉर्मल शॉर्ट्स ले रहा हूँ, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, हैंडल में अदरक, बस ज्यादा हरकत मत करो, सीधा सीधा रहियो भाई, मुंह नॉर्मल कर ले, आदि मानव लग रहा है, रिलैक्स, ये समझ तेरी है, तेरी है, हाँ तेरी है, क्या दे रहा है यार फोन से अपनी पैसा ट्रांसफर अकाउंट में, गिरनी नहीं चाहिए भाई, नहीं नहीं महंगी की बात नहीं है यार, बाइक का क्या, वो तो गाड़ी घोड़ा ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पैर पे गिर गई, वही कह रहे टांग पे गिर गया, दूसरी टांग कहाँ से लाएंगे, खाम का दो टांग बचेगी फिर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, भाई कौन सी बाइक है आपकी, कौन सी बाइक है, मुझे भाई सारी बाइक ऑन करता सिवाय एक के, आपकी बाइक देख रहे हैं बड़े भाई, मेरी तो है ही नहीं मेरी तो है ही नहीं इसमें, रेस कितनी है इसकी, किसकी, हिमालयन जाते भाई लास्ट अपनी 130 140 भाई 120 140, ये बाइक जो है ना भाई इसमें 140 बहुत लगती है, क्या भाई मैं गलत तो नहीं, कितना सीसी का है, 410 सबसे लेट पकड़ती है, सबसे लेट, सबसे ज्यादा तगड़ी है वो वाली बाइक लास्ट में खड़ी, लास्ट वाली पल्सर भाई वो अलग है, वो फास्टेस्ट इंडियन है, क्या बोला तूने, चोर गाड़ी क्या कहता है उसका, आगे सफरी भी खड़ी है, गलत चीज यार, 200 सीसी है क्या, 220 सीसी में होगा, ये भाई साहब इसकी शक्ल में मत जाना, दिखता तो ये विवेक ओबरॉय टाइप का है लेकिन वो है रामी टाइप का है बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल स्वीट और स्वामी टाइप का बंदा हूँ मैं, आज तक मैंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं करा है, हरामी टाइप का काम नहीं करा है, लेकिन हाँ भाई भाई बड़े स्वीट हैं, और आगे आप समझ जाओ क्या कह रहा हूँ मैं, कितना झूठ बोल के गया ना ये बंदा, मैंने कुछ बोला भी नहीं अभी तक तो भाई सब ने भाई इस दुकान से यानी इस थ्रिफ्ट शॉप इस गियर एंड गियर आर हेयर पे सामान परचेस किया है, बहुत बढ़िया है, चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अंदर की शूटिंग मैंने थोड़ी बहुत दी थी, ज़्यादा मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, और मेरा भाई थोड़ा साइड देना प्लीज़, ब्लॉग चल रहा है, थोड़ा सा हाँ जी क्या हुआ, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ये भाई बढ़िया है भाई नेचर, ये अपना मारवाड़ी आ गया, ये दूसरे ओनर, चीजें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छा अपने आप ही हो रहा है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बोल चुका है इस दुकान के बारे में, जितना कुछ मैंने बोला शायद ही शायद किसी ने बोला, तो भीड़ ही बता रही है दुकान का रिस्पॉन्स, हाँ वही तो कह रहा हूँ, अरे भाई साहब ये आइटम था इनका ही अपना, मगर मुझे दिखा क्यों नहीं यार का, फोटो भाई आप लोग भी आ जाओ, सबने दो न्यू क्रू मेंबर्स भी जुड़ गए, सो गाइस लिटिल बिट फोटो शूट के बाद सब खत्म निकल चुके हैं, ये डंडा मैं निकालता फोटो शूट के लिए जस्ट, क्योंकि हम राइडिंग गेयर्स में नहीं है, मैं गाड़ी से आता हूं, टोरा तो अलग ही होएगा, बाकी चल रहे हो कहां पर, अरे ऑब्वियसली भाई भूख सबको लगती है, काट की नहीं थोड़ी ना, भूख इतनी ज्यादा भूख लग रही है भाई को, लग क्यों नहीं, देखो तो इससे अंदाजा लग रहा हूं वैसे भूख क्यों लगी अभी तक, भूख सबको लगती है, गला सबका सूखता है भाई, अगर मैं इतना ज्यादा हूं, अगर मैं थोड़ी देर और नहीं खाऊंगा ना तो मैं भाई को खा जाऊंगा, हजम नहीं होऊंगा, अगर वजन 90 प्लस भी होगा ना तो मैं दो दिन लगाऊंगा ज्यादा नहीं, लेकिन खा पूरा जाऊंगा, अपनी देसी में एक छोटी सी कहावत है कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कहते हैं अपन घी खाते हैं ऑलरेडी, पंजाबी पुत्र प्राउड टू बी पंजाबी गाय, पता नहीं क्या करके मानेगा ये मैं बहुत कुछ, चलो ठीक है बंदे सारे बढ़िया भाई, हंसी मजाक सबका ठिठोली चलती रहती है, नॉर्मल ब्लॉग में अगर हंसी ठिठोली ना हो तो फिर मजा ही क्या है, सो भाई भाई के साथ और सारे लोगों के साथ मतलब पूरी पार्टी वहाँ पे बैठी है, हम लोग आ चुके हैं शिवा ढाबा पे, क्योंकि हमने सुना है कि खाना यहाँ का अच्छा होता है, ठीक है ट्राई ऑल दो हमने कभी करा नहीं है, लेकिन अगर आज हमें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली फीडबैक टॉप रेट आने वाला है, पता नहीं क्यों यार भाई चैनल क्यों नहीं बनाता अपना,
चैनल मैं चैनल बना लूंगा, बस भाई थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल रही है, बस आज जाते ही चलता हूँ, इनिशिएटिव डाल दूंगा। अरे करना चाहिए यार, सब करो। लौंडे कहाँ के? कहाँ है? वो अरे पर मैं तो अपनी बंदी हूँ साथ भाई। नहीं भाई अपने सारे हम अंदर आए हैं और हमारे सारे कलीग्स मतलब जितने भी सारे राइडर्स हैं सारे हो गए, पता नहीं किसके कहाँ हो गए। एक दो तीन छपरी चार पांच और चटा। अबे वो दोस्त के साइज का इकलौता कहाँ गया? इसको देख के मन कर रहा है वेक अप सीड। तो भाई एकदम से मुझे याद है कि मेरे फ़ोन में बैटरी और की लो, क्योंकि भाई डाटा केबल मेरी गई थी टूट, तो मैं नहीं कर पा रहा था कुछ भी चार्ज वगैरह। लेट्स सी यहाँ शायद मिल जाए कुछ। भाई लाइटनिंग केबल होगी मेरे पास, मेरे को बेसिकली USB लाइटनिंग साथ में हो जाए, मतलब कार के लिए चाहिए। दोनों दिखा दो कौन सी है, दोनों सी अच्छी लगेगी ले लेंगे, लेनी तो पड़ेगी मजबूरी है। एक ही उतार लो। ये बुलेट यूबॉन की बुलेट कितने में? हाँ वो डिपेंड करता है क्योंकि मेरे गाड़ी में फास्ट चार्जर है। वो वाट में 25 वाट की। वैसे बेस्ट ये भाई साहब ये चीज बढ़िया है, लोग दादा खरीदे पोता भरते है वो वाला हिसाब हो गया इसके गलत। ये ठीक है, कितने वाट की फास्ट चार्जिंग वाली कौन सी है? फास्ट ही है भैया, 25 वाट की। हाँ ये टाइप की यूबॉन की बैटर है यार, कुछ भी इस टाइम कुछ भी चलेगा। भाई ये ले ली और आई होप घर तक चल जाए, टूटे ना। घर जाके तो आकाश के पास जाऊंगा, वहाँ जाके मैं दूसरी डाटा केबल ले लूँगा जो उसके साथ कनेक्टेबल है, कंपेटेबल है। ओके तो यहाँ पे सस्ते में हो रहा है पेनलेस टेम्पररी टाटू, इट्स नॉट टैटू इट्स टाटू। जैसा मैंने तो जैसा मैंने बताया था सबने खाना खा लिया, लेकिन सिर्फ एक ही हमारे भुखड़ साहब हैं जो दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खा गए, उसको यहाँ भी खाना है, इनका कुछ नहीं हो सकता। बातें कर होश में। और ये क्या नाम है? राइड विद प्राइड। खाने इनको करो साइड। ओ भाई भाई सबको अलविदा करके हम लोग निकल चुके हैं, आई मीन मैं और मेरी बोंगी एज यूजुअल। तो डोरेमोन तो बोला कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, तुम सीधा कस्टम बॉर्डर पर पहुंच जाओ, वहां जाके भाई से सामान ले लो, मेरी बात करवा देना क्योंकि उसे कुछ काम है अलीपुर में, उसका पर्सनल है। तो ठीक है यार कोई दिक्कत, हम चले जाते। तो मैं अब सीधा निकल रहा हूँ रोहिणी के लिए, रोहिणी से सामान उठाएंगे, देन आफ्टर सीधा घर पहुँचेंगे। तो अभी तक भाई अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ना किया तो अभी कभी कर लो, पहले बता रहा हूँ। शेयर वाला वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद करना, बाकी करते हैं ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सामान लिया। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मैं कितनी कोशिश कर लो इन लोगों से दूर होने की, ये कमीने सारे के सारे बीच में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। क्या दुख बैठता है इन लोगों का, यहाँ खड़े हो कैसे बातचीत करने का भरे रोड पे, कोई आके उड़ा के चला गया तो अच्छा। शर्म नहीं आ रही? वो तो पीछे से बुला रहे थे, वो पीछे से बुला रहे। ये डोरमो का टैटू इस भाई के थ्रू पता चला है, इस सारे सारा बस उनको डिसाइड कर रहा है, उनकी भैंस चल गई, कुछ भरोसा नहीं, लड़ाई करने लग जाएंगे, इनका भरोसा नहीं बिल्कुल भी। ये भाई खुद का हाथ बांध के बैठा है, कह रहा मैं रोक ले मेरे को कोई, ए भाई ए राजू मेरे को रोक रहे, ए मेरे को मारूंगा कोई। भाई अरे मारियो मत, ये बंदा है भाई मारना बिल्कुल भी नहीं है, मारना नहीं है भाई, कैमरे डाल दो रोड रेज।
भाई फिलहाल मैं रोहिणी आके वहां से भी निकल गया हूँ। मैंने हेलमेट सोचा था मिल जाए, बट हेलमेट तो मिला नहीं, इंटरकॉम मिल गया। अब तुम्हारा भाई आराम से बाइक के ऊपर भी गाने शाने सुन सकता है, फोन डायरेक्टली अटेंड कर सकता है, एंड वेरी मोर इंटरकॉम से दूसरे इंटरकॉम के साथ कनेक्शन करके बिना किसी कॉल का पैसा लगाए भाई, या बिना किसी नेटवर्क के भी हम कोहनों के साथ भी बैठ के आराम से वार्तालाप कर सकते हैं, बोल सकते हैं गाइडलाइन के साथ, या भैया इन करने जा रहा हूँ तनिक वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, समझ गए। पहले इंटरकॉम से कनेक्टिविटी करके आप समझ सकते हो, गूगल पे जाकर सर्च करवा जाते हैं, कुछ मैं बोलूंगा नहीं, कनेक्टिविटी हो जाती है, राइटर्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर। कोई कोई इंटरकॉम अच्छे वाले होते हैं तो वो 2 किलोमीटर की रेंज सपोर्ट करते हैं, ये वाली 1 किलोमीटर की है। तो अभी तक वीडियो यही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, क्या क्या सामान कैसे क्या लिया पूरी चीज़ हेलमेट लेने के बाद ही मैं आपको शेयर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट, जस्ट डू इट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।